अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे, हमारी दुआ खुश रहे, बाद रहे। आप देख रहे हैं देसी रिएक्शन चैनल, तो मैं हसन मनाजुर साहब, मैं मुहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इसका टाइटल है पीएम मोदी मैजिक एट इट्स बेस्ट इन हुबाली, मैसिव क्राउड इन रोड शो। आइए पहले देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोदी जी गए हैं और वो वहां पे आई थिंक इफ्तिताह करने गए थे, जो नेशनल फेस्टिवल था उसका 2023 का। तो देख ले यार, दुनिया देखने वाली, आप देखेंगे कितनी यार, और छतों पर चढ़ी हुई तो फिर आवाम तो भाई जिस तरह कोई सुपरस्टार होता है ना, ये तो फिर खैर वो शख्स है जो मुल्क को सुधार कर बैठे है, एक सुपरस्टार और फिल्म स्टार, उसकी बहुत बल्ले बल्ले हो जाती है। लेकिन इस बंदे ने तो, ये तो प्राइम मिनिस्टर है, इसको देखने के लिए बच्चे क्या, जवान क्या, बूढ़े क्या, सभी छतों पे, रोड़ों पे। और एक और बात नोट की है मैंने कि देख ले, किसी बंदे ने ये नहीं कोशिश की कि जो हद उन्होंने रखी हुई है ना, उससे इधर से किसी ने पार नहीं किया, वहां से खड़े होकर पिक्चर बनाए जा रहे हैं
और मतलब उनको देख के हाथ हिला रहे हैं, अगर आगे से मोदी साहब इस तरह आवाम का जवाब दे रहे हैं, तो ये होता है मजा, ये एक अच्छे लीडर की पहचान। अच्छा वैसे आज नरेंद्र मोदी साहब जैसे गाड़ी के अंदर खड़े हुए थे एक मतलब सुपरस्टार वाला स्टार हीरो 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 वाला क्या यार, हीरो हीरो क्या हीरो है यार, ऊपर भाई है ये बंदा, ग्रेट मैन ग्रेट लीडर, इतनी मतलब है कुछ में खूबियां यार। जिस बंदे ने खाने के लिए सोने के लिए छत दी हो, खाने के लिए पैसा या राशन पानी दिया हो, बिजली सस्ती हो, हर चीज सस्ती कर दी हो, के लिए बहुत सारी हर किस्म का रिलीफ आवाम को, हर किस्म का जो रिलीफ दे रहा हो बंदा, तो आवाम खुश है, तो उस बंदे की उस लीडर की जय जयकार तो होगी, उसकी बल्ले बल्ले तो फिर होगी, वो हक भी बनता है, इससे बढ़ के उसका इज्जत और इत्राम। यार आप जो करोड़ आप देख रहे हैं इसमें आप तकरीबन मेरे ख्याल में ये तो नहीं होगा कि जो अमीर लोग हैं वो खड़े होंगे, नहीं भाई नहीं, गरीब होंगे इसमें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिर्जाई जितनी भी कौमे है या जितनी जबाने बोले जो भी मजहब है, ये टोटल इस्तकबाल में, मतलब जो गरीब लोग हैं उनको हकूक गरीबों गरीबों तक उसने फैसिलिटीज पहुंचाई है सारी, तो वो देखे कैसे मतलब उनके वेलकम करने के लिए यार के हमारा एक यार अगर उन्होंने किया तो आवाम भी तो उनका साथ दे रही है, साथ दे रही है ना बिल्कुल भाई, कुछ अच्छा करोगे तो आवाम आवाम के दिलों में बसोगी, अगर अच्छा नहीं करोगे तो फिर हमारे शिवाज इंडिया से बस जबान पे बस हो, नहीं आप जो भी पोजीशन हो जो भी जैसे भी वर्ड्स यूज करें, लेकिन आवाम के दिलों में जो उनकी मोहब्बत है ना उसको कोई नहीं निकाल सकता। अच्छा आप हम ये कह सकते हैं कि इनका जो 2024 में ये इलेक्शन होना है ना, इसके अंदर हम आंखें जिस तरह कहते हैं बंद करके भी बोल सकते हैं कि बीजेपी ही जीतेगी, ये तो आप यकीन से कह सकते हैं। राहुल गांधी जोर लगा ले, अवैसी साहब जोर लगा ले, और भी जितने लीडर हैं मुखालिफ जोर लगा ले, जब एक बंदे का पूरे मुल्क के अंदर जिसने अवाम का अपनी जनता का दिल जीत लिया है, ये नहीं कि ये ख्याली पुलाव सियासी पुलाव से दिल जीता हुआ, नहीं उन्होंने एक हकीकत करके दिखाया, उससे उन्होंने दिल जीता, जीत के उन्होंने दिखाया अवाम को इस ये प्रोटोकॉल, दूसरी बात उन्होंने ये प्रोटोकॉल उस चीज दूसरे सियासतदानों को दूसरी कंट्रियों को पैगाम दिया है कि काम इस तरह किया जाता है जैसे कि मैंने किया है, ऐसा यार ऐसा रिलीफ इस तरह दिया जाता है जैसे कि मैंने अवाम को रिलीफ दी। और मैं अजहर भाई यही कहूंगा कि मेरे ख्याल में ना ऐसी इज्जत आज तक मैंने कभी किसी लीडर को नहीं देखी मिली हो अवाम ने दी हो, खासकर भाई अवाम का शौर देख के ना मजा आया यकीन मानने, और अवाम का इस तरह इस्तकबाल करना और दूसरों के फूल निछावर करना, और आगे से ये नहीं कि मोदी साहब गाड़ी में बैठे हुए हैं, वो भी निकल के गाड़ी से बाहर निकल के जिस तरह कोई शूटिंग कर रहे हैं, इस तरह वो हाथ हिला रहे हैं दरवाजे के ऊपर हाथ रख के खड़े होके गाड़ी चलती आ रही है, मजा आ गया अवाम को देखने का, मजा आया मोदी साहब को अवाम में मजा आया, रिस्पेक्ट के बदले रिस्पेक्ट दे रहे हैं बिल्कुल, ये बाकी दूसरी हर कंट्री को उन्होंने एक पैगाम दिया कि हुकूमत इस तरह की इस तरह की और होना भी चाहिए भाई इस तरह। ये थी वीडियो, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।